मेरा हेयर लॉस 2 से 3 वर्ष से हो रहा है। इसको मैंने रोकने के लिए बहुत सारे ट्राई किया, दवाई की मेडिसिन ट्राई किया, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वहीं से मुझे पता चला कि मेरा हेयर लॉस होने स्टार्ट हो गया है। तो फिर मैंने अपने आप में नर्वस फील होने लग गया था। फिर मैंने दोस्तों से पूछा कि, फिर उन्होंने बता रहे कि बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, कुछ तो कर करके फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया है। मेरा नाम महेश शाह है, मैं छत्तीसगढ़ का वर्धा से हूँ और मैं अपनी हेयर फॉल की समस्या के कारण मैं यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार पे। और मेरा हेयर लॉस 2 से 3 वर्ष से हो रहा है। इसको मैंने रोकने के लिए बहुत सारे ट्राई किया, दवाई की मेडिसिन ट्राई किया, फिर भी नहीं रुका। इससे मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया था। सोता तकिए पे बाल आती थी, नहाने के टाइम बाल गिरता था, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वहीं से मुझे पता चला कि मेरा हेयर लॉस होने स्टार्ट हो गया है। मैंने इसको रोकने के लिए अपने घर में बहुत सी चीज़ ट्राई की, जैसे कि मैंने ओनियन ऑयल ट्राई किया और मेडिसिन भी ट्राई की, फिर भी नहीं रुका। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होकर फिर इसको मैं अपने दोस्तों के बीच जाता था। मेरे दोस्तों बोलते थे तुम्हारा बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो फिर मैंने अपने आप में नर्वस फील होने लग गया था। फिर मैंने दोस्तों से पूछा कि, फिर उन्होंने बता रहे कि बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, कुछ तो कर करके फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चूज़ किया है। मैंने क्यूएसटी के बारे में इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से वीडियो देख के मेरे को पता चला। और यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे राजपाल यादव जी हैं, वो भी अपने यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करे, उनका रिजल्ट भी देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने क्यूएसटी के चूज़ किया। मैंने क्यूएसटी में फिर कॉन्टेक्ट किया, फिर कॉन्टेक्ट करने से मैंने बात हुई, फिर मेरे को मैं अपना फ़ोटो शेयर किया। फ़ोटो शेयर करने के बाद मुझे बताया कि इतने अगर आप लगेगा आपको, फिर मैं यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक पे आया हूँ। और उसके बाद अभी मेरी हेयर लाइन बची है, हेयर लाइन होना है और फोटो सेशन हो चुका है मेरा। मैं अभी डॉक्टर से मेरी कंसल्टेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा कि मेरी हेयर लाइन जो कैसे बनेगी। और मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जो भी मेरी सर्जरी का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर्जरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और मैं सर्जरी से पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था कि यहाँ पे पेन होगा कि कुछ ऐसा महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, पेन वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपके अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छी क्लिनिक है ये और बहुत साफ़ सुथरा भी है और एकदम अच्छी तरीके से केयर किया जाता है कि आपको डॉक्टर भी यहाँ पे स्टाफ भी सभी अच्छे से आपसे बात करेंगे, सब बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। मैं यहाँ पे आया और डॉक्टर से मेरी कंसल्टेशन हुई, फिर मेरी हेयर लाइन बनाई गई, फिर पूछा गया कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूछा गया कि आपको कुछ डर तकलीफ कुछ तो नहीं था, मेरे साथ कुछ नहीं था। फिर मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मेरे बीच बीच में पूछता गया कि आपको पेन थोड़ी हो रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे को ऐसा कुछ पेन वेन कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी लगा। और यहाँ पे स्टाफ सब चीज़ बहुत अच्छे हैं। मेरे 3000 ग्राफ्ट लगाए गए हैं और ये क्यूएसटी टेक्निक के द्वारा लगाया गया है। मेरी सर्जरी होने के बाद मुझे डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसको कैसे केयर करना है और इसको कब हेड वॉश करना है, कब इसमें तो जो हेयर निकाले गए उस ग्राफ्ट में उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। जो मेरे ग्राफ्ट लगाए गए हैं उनको अच्छी तरीके केयर करने के लिए बोले गए हैं और हमें ड्रिंक करने से मना किया, स्मोकिंग करने से मना किया गया है। और हमें बताया कि कब को इसको हेड वॉश करना है, कब को इसको इसकी कैसी केयर करनी है और दवाई के बारे में बताया गया कि कब कब खाना है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है मेरे को और इनके केयर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे केयर भी करते हैं और पूरे एकदम मुझे अच्छे समझाया गया कि अपने बच्चे के जैसे कि आपको कब क्या करना है क्या नहीं करना है। जो जिसकी हेयर लॉस हो रही है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप क्यूएसटी में आप हेयर ट्रांसप्लांट करा भी सकते हैं।
कि बहुत अच्छी क्लिनिक है, मैं यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है, और मैं इसलिए यहाँ पे सजेशन हुआ कि मैं यहाँ पे बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग भी कराए हुए हैं पहले, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं ये आगे की जर्जी आप लोग के साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और मैं एक महीने बाद मेरी पी आर पी होने वाली है, उसके बाद मैं आपके आगे की जर्जी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।